क्लास में कैसे हैं सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताओ ओके आई केम अर्ली टुडे वेलकम हाय हाय गुड आफ्टरनून हाय एवरीवन हाउ इज एवरीबडी डूइंग कैसे हो सभी बच्चे जल्दी से बता दो लेट्स जस्ट वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन ओके Come on, let's join in soon. It's a lovely, lovely, lovely day, and today's class is going to be very interesting. tiku ma'am. Okay, Shivam. I'm also good. I'm doing great. Are you all safe? Kesa chal rise sab? Okay, I can see some of us are already here. आपका फेस बदल गया मैम ओके लेट मी इंट्रोड्यूस ओके लेट मी माई सेल्फ माई नेम इज तान्या। गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून कम ऑन टूडे वी लर्न फाइव अमेजिंग वर्ड्स कॉल योर फ्रेंड्स हेलो मैम हेलो हाई ओके हाउस आई हेल्दी आई यू ऑल स्टार्टिंग पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं बंद हो गई जल्दी जल्दी आ जाओ बिकॉज आज की क्लास की शुरुआत अपन करने वाले हैं एक गेम खेल के तो so, जिस जिसको गेम खेलना है जल्दी से आ जाओ I'm doing good, Anjali. Thank you. Let's join in soon. We'll just wait for one more minute. I am fine. Okay, Krishna. It's a lovely day, and you all are very, very, very lovely. Cuties. Okay, come soon. ओके सो आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ राइट ओके सो क्योंकि वो कैबलरी की क्लास है तो पहले तो सब मे को बता दो किसी को पता है वो कैबलरी होता क्या है मतलब बेसिकली व्हाट इज़ वो कैबलरी हम पढ़ तो रहे हैं वो कैबलरी वो कैबलरी कर तो रहे हैं बट ये होता क्या है जल्दी से लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन फटाफट लेट्स बी वेरी इंटर लेट्स लाइक कॉमेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी ठीक है ताकि अपन गेम खेल सके

कैबलरी मीन्स न्यू वर्ड लर्न करना अंजली अंजलि बेटा यू आर समवेर नियर बहुत ही ज्यादा पास आंसर था बट वेरी गुड नाइस अटेम्प्ट आई न्यू नेक्ता मैम ने इंट्रोड्यूस किया था वो वेरी गुड बताओ फिर वो का मतलब वेरी गुड आई एम फीलिंग गुड यू गाइज आर रेस्पिंग नाइस वेरी गुड ओके okay. तो मेरे को ये बताओ कि किस किस ने स्कूल में ये वाला गेम खेला नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो पता है किसी को नहीं पता तो फटाफट -फड़ बता दो मैं बता दूंगी और फिर हम जल्दी से ये गेम खेलने वाले हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे आज का लेक्चर इस गेम के थ्रू हम जानेंगे कि वो कैबलरी होता क्या है सम वर्ड्स संजू ओके शिवम मैंने ओके नाइस आई कैन सी कि हम सब ने ये गेम खेला है मोस्टली वेरी नाइस तो मतलब हमें आता है ना ये गेम कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जिसको नहीं पता ये गेम क्या है तो उसके लिए मैं बता दूँ तो हमें करना क्या है कि मैं आपको दूंगी एक लेटर ठीक है ऐसे अपने मन से आई विल बी गिविंग यू वन लेटर जैसे कि अगर मैंने बोल दिया एम एंड आपको जल्दी जल्दी से क्या करना है एम से एक नेम एक प्लेस एक एनिमल और एक थिंग सारे एक साथ लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है ओके लेट्स सी कौन जीतता है यस, यस। ओके ओके ओके। सो आर यू गाइस रेडी आर वी रेडी फॉर दिस गेम मजा आ गया अभी से मजा आ गया बेटा ओके आई गेस वी आर रेडी तो ये हम करेंगे फाइव टाइम्स तो पांच बार मैं आपको एक लेटर दूंगी और आपको क्या करना है कि उस लेटर से फटाफट फड़ से चार नेम प्लेस एनिमल थिंग एक एक सोचना है और लिखकर मुझे भेजना है ऐसे नहीं करोगे कि एक नेम भेज रहे हो फिर एक प्लेस एक एनिमल नो डिसकालीफाई कर दिए जाओगे मैं कंसिडर नहीं करूंगी पॉइंट्स नहीं दूंगी ठीक है तो चलो अब मैं देने जा रही हूँ सो योर फर्स्ट लेटर इज के 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 जल्दी से सिर्फ ट्वेंटी सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास देखते हैं सबसे पहले कौन लिख के भेजता है के से मुझे एक नेम एक प्लेस एक एनिमल एक थिंग लिख के भेजो एक ही लाइन में कम ऑन आई एम वेटिंग योर लेटर इज के कमरान किंगरू कार्तिक कोलकाता किंग्यर काइट वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस यू गॉट वन पॉइंट यू गॉट वन पॉइंट कार्तिका कोलकाता ओके अनिमेश यू आल्सो गोट वन पॉइंट Arushi Jain. You got one point, dear. Very nice of you, yar. तुम लोगों को तो सब आता है. Okay, okay. I'm just gonna wait for two more seconds. Krishna Kashmir, Kangir. Okay, Shruti. Very nice, yar. It's amazing. It's literally amazing. okay, तो एक एक बच्चे का एक एक चीज ले लेते हैं यहाँ पे मैं नेम देख पा रही हूँ सृष्टि ने लिखा है करण ओके प्लेस इज कश्मीर ओके ओके वेरी नाइस ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट लेटर नाउ गाइस बी रेडी बी रेडी बी रेडी ओके One, two, three. your next letter is m i am waiting m m m your next letter is m come on fat. bring it on bring it on you guys are performing very nice give me a name a place a animal and a thing quiz nahi aaya karan beta abhi class shuru hui hai thoda wait karo we'll do quiz पहले वी आर प्लेइंग गेम देन वी लर्न न्यू वर्ड्स, देन वी बेटा कुछ भी नहीं लिखना है अपन को एम से लिखना है M, M, M. अथर्व टाइगर काइट, ओके। okay. हम्म, मानवी मणिपुर मंकी मूर्ति बेटा ब्रिंग अ बेटर थिंग नाइस ट्राई अंजलि यू डूइंग गुड मोनिका मुंबई मंकी मनी ओके वेरी नाइस आई कैन सी यू का इज परफॉर्मिंग वेरी वेल भाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हो ओके आई कैन से द नेम हेयर मनजीत व्हाट इज द प्लेस ओके वेरी नाइस मणिपुर एनिमल ओहो मंकी बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मंकी यू गाइजर गेटिंग वन पॉइंट फॉर दैट अपने पॉइंट गिनते रहना एट द एंड ऑफ द क्लास अपन देखेंगे किसके सबसे ज्यादा है वॉट इज द थिंग ओके मनी मैथ वेरी नाइस श्रिष्टि ओके वी गॉट आर फोर थिंग्स नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेटर गाइज बी रेडी योर नेक्स्ट लेटर इज टी क्योंकि मेरा नेम तान्या है चलो नेक्स्ट लेटर इज टी कम ऑन गिव मी अ नेम अ प्लेस एन एनिमल एंड अ थिंग टी से मोना मुंबई मांगी वेरी नाइस रोज अनु निहाल वेरी नाइस ओके लेट्स जस्ट भी थोड़ा सा फास्ट किड्स तनु टाइगर ओके गिव मी अ प्लेस एंड अ थिंग आल्सो अभिराज तान्या ओके नाइस मानसी तान्या तमिल टाइगर टॉफी वेरी नाइस वेरी नाइस अंजलि यू आर परफॉर्मिंग रियली नाइस सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं चलो ठीक है सब ने मेरा ही नाम लिखा है तो एम राइटिंग तान्या देन प्लेस त्रिपुरा वेरी नाइस श्रिष्टि गिव मी एन एनिमल टाइगर हेयर यू गो शिवम एंड अ थिंग टेबल कूल यू गॉट इट चलो आर नेक्स्ट लेटर इज आर लेट्स सी अब सबसे पहले जवाब कौन देता है आई एम वेटिंग पहले चार जवाबों का लेट्स सी आर बेटा प्रत्युष एक एक करके जवाब नहीं देना है अपने को क्योंकि आपके कमेंट्स फिर मैं देख नहीं पाऊंगी एक साथ लिख के भेजो प्लीज जल्दी करनी है जल्दबाजी नहीं ठीक है एड देखते हो रोज राइस रैप रेन बेटा रोज़ी ध्यान से करो थोड़ा ओके राम श्रुति इज डूइंग वेरी नाइस राम रामपुर थिंग इज राम श्रुति राम कैसे कोई थिंग हो सकता है नो यू आर रॉन्ग माय डियर ओके ओके रोहन नाइस वेरी नाइस रांची ओके एनिमल रैट यश वेरी नाइस And think, give me a thing, guys. Give me me a a guys. एंड थिंग गिव मींगा कर रहे हो और दिमाग लगाओ Rocket. Okay. चलो तो यहाँ पे अपने गेम को अभी के लिए बंद कर देते हैं आगे भी खेलेंगे बट अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनोगे सब और जो ध्यान से सुनेगा उसी के कमेंट्स पढ़ के मैं रिप्लाई करूँगी. ठीक है So, यहाँ पे हमने अभी एक गेम खेला Name, place, animal, thing. So, basically, वो आपने सबने सही बताया कि इन सीखते हैं वर्ड्स नहीं ऐसे सिर्फ न्यू को हम वो नहीं बोलते हैं आप मुझे एक बात बताओ आपको कितने वर्ड्स पता है हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो ऑबसली बात है कि यू नो मेनी वर्ड्स राइट अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ आप लोग इतने सारे वर्ड्स लिखे आप लोगों ने ये देख रहे हो ये तो सिर्फ कुछ है जो मैंने लिखे बट आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया दैट इज़ वेरी नाइस तो ये जो सारे वर्ड्स है ना ये सब है समझ पा रहे हो ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें वो कैबलरी है तो वो कैबलरी बेसिकली होता है कि आपको कितने वर्ड्स पता हैं ठीक है एंड हाउ वेल यू कैन यूज देम और कितने अच्छे तरीके से आप जानते हो कि कौन सा वर्ड हमें कहाँ पर यूज करना है उस प्रोसेस को उस चीज को अपन बोलते हैं वो कैबलरी इज दैट क्लियर ओके इट्स लाइक द नंबर ऑफ वर्ड्स यू नो जितने भी वर्ड्स जितने भी आपकी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स आप जानते हैं वो हो गई आपकी वो ठीक है अगर आप अच्छे अच्छे से बात करते हो आपको पता है ये वाला वर्ड यहाँ लगना चाहिए आपको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं तो जनरली हम बोलते हैं कि यार आपकी तो बड़ी अच्छी वो है है ना सो so, वो सिर्फ हम न्यू वर्ड्स को नहीं बोलते हैं वो कैबलरी इज बेसिकली ऑल द वर्ड्स दैट समबडी नोज ठीक है समझ में आया ऑल द वर्ड्स दैट समबडी इज नोज बेटा रास खान क्विज आएगा ठीक है लास्ट में आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी आएगा क्विज नहीं आया लिखने से क्विज नहीं आएगा ओके okay? चलो सो so, समझ में आया वो अपन बोलते किसको है अब हम क्या करेंगे हम शुरू करेंगे आज के हमारे नए पांच वर्ड सीखना अब पहले ही मैं वार्निंग दे देती हूँ पहले ही मेरी बात ध्यान से सुन लो अगर ये पांच वर्ड सही से सीखे ना तो ही इसके बाद वाला गेम खेल पाओगे वरना कुछ समझ नहीं आएगा गेम से निकल जाओगे नहीं गेम खेलोगे पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे ओके मजा आ गया ओके करण आगे भी आएगा ठीक है तो अपन शुरू करें मेरा नाम है तान्या ओके okay, हम लोग इंट्रोडक्शन भी करेंगे बाद में एक बार दोबारा से इंट्रोडक्शन करेंगे बट देन अभी अपन शुरू करते हैं ठीक है सो बेटा आज का हमारा हमारा पहला वर्ड है एरेगेंट क्या किसी ने ये वर्ड सुना है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किसी ने भी ये वर्ड सुना है एरेगेंट एरेगेंट क्या होता है डू यू नो नैना यस मैम वेरी गुड नैना कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज आरगेंट ओके सो थिंकिंग दैट यू आर बेटर एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर पीपल जब हम ये सोचने लगते हैं ना यार कि हम ही बेटर है मतलब जो है हम ही हैं जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हमें लगता है कि सिर्फ हम ही बेटर है सामने वाला तो कुछ है ही नहीं उस इंसान के नेचर के लिए अपन यूज़ करते हैं आरगेंट ठीक है यानी कि घमंडी अहंकारी बिल्कुल बात करने के जिसको मानस नहीं होते घमंडी अंजलि वेरी नाइस nice बेटा इगोइस्टिक दीपक बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे थैंक यू बेटा एनी वन हु हैज घमंड वेरी गुड नैना एग्जैक्टली हाँ एरगेंट का मतलब घमंडी, बिल्कुल तो वही इंसान जिसे बिल्कुल भी बात करने के मानस नहीं है जिससे आप बात करने जाओगे तो वो आपको ऐसा फील कराएगा यार मैं ही हूँ आप कुछ नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं arrogant. समझ में आया इतना अच्छा अब arrogant के ना सिमिलर वर्ड्स भी बहुत सारे हैं, बट हम अभी दो ही करेंगे ठीक है हॉटी एंड इगोस्टिक ओके okay. ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आप एरेगेंट की जगह पे भी यूज कर सकते हो एंड ऑल्सो मैम प्लीज रिपीट अगेन जिसे बात करनी ना आती हो ये सृष्टि ओके सो बेटा एरेगेंट वो होता है जब हम समझते हैं कि हम ही हैं बस जो हैं हम बेस्ट हैं हम सामने वाले से ज्यादा अच्छे से जानते हैं और सामने वाले को हम बिल्कुल कुछ नहीं समझते बिल्कुल सेल्फिश होते हैं ना उनको अपन बोलते हैं आर्गेंट जो लोग बहुत ही अपने आप में घमंडी होते हैं हम बोलते हैं ना यार ये बहुत घमंडी है है ना सो दैट इज द वर्ड वी यूज फॉर आर्गेंट वेरी गुड आकाश या नाइस एग्जाम्पल नाइस तो इसलिए दो हमारे पास सिमिलर वर्ड है एक है हार्टी एंड दूसरा है इगोइस्टिक ओके okay, इगोस्टिक क्या होता है सेल्फ सेंटर्ड

आई एम लुकिंग एट ऑल योर kiddos. You munchkins are doing रियली ग्रेट बहुत अच्छा कर रहे हो ठीक है अब हॉटी और इगोस्टिक हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं अगर मैं बोलूँ ही um, a मी look लुक एंड away. अवे ही me मी haughty लुक एंड walked अवे किसी को पता है इसका मतलब क्या होगा तो मुझे बिल्कुल ही अभिमान से मुझे देखा और वहां से चला गया बिल्कुल ही तेवर के साथ मुझे देखा और वहां से चला गया ठीक है एकदम ऐसे घमंड में मुझे देखा और वहां से चला गया तो बेटा वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उन्हें लगता है सिर्फ हम ही ठीक हैं सामने वाला तो कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एरगेंट ओके चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं ही इज सो एरगेंट ही थिंक्स ही नोज ऑल आंसर्स समझ लो अच्छा ऐसा आपकी लाइफ में बहुत हुआ होगा बहुत ही हुआ होगा इन माय क्लास रिया इज सो आर्गेंट सुप्रिया ओके okay. सो so, बोल रहा है ही इज सो आर्गेंट वो बहुत ही ज्यादा आर्गेंट है उसे लगता है कि उसे सारे जवाब पता है बहुत ही ज्यादा घमंडी है है ना बहुत ही ज्यादा अक्कड़ है उसमें बोलते हैं ना हम लोग गुस्से गुस्से में निकल जाते हैं हमारे मुंह से तो दैट इज आर्गेंट ओके आई है यानी कि मैं इतनी अक्कड़ वाले से तो कभी नहीं मिला इतने घमंडी इंसान से तो मैं कभी नहीं मिला है ना तो इसमें भी क्या यूज हुआ है एरेगेंट यूज हुआ है ठीक है अब आप लोग मुझे एक एक एग्जाम्पल दो फटाफट से बना के ऑल्सो ये होमवर्क भी है कि आप लोग इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे ठीक है सिंस ये वो कैप की क्लास है मैं चाहती हूँ हम सब इंग्लिश में बात करें एटलीस्ट हम ट्राई करें माई ऑल क्लासमेट इज एरेगेंट बेटा अगर हम ऑल क्लासमेट की बात करें तो आर आएगा इस तब आता है जब हम एक जने की बात करते हैं ओके बट वेरी नाइस गुड अंजलि मॉनिटर्स आर वेरी एरगेंट वेरी गुड सृष्टि होता है कभी कभी किसी क्लास के मॉनिटर जो होते हैं जाके कंप्लेंट कर देते हैं मैम से है ना मैम ये बातें कर रहा है मैम इसने होमवर्क नहीं किया मैम मुझे तो सब आता है इसे कुछ नहीं आता समझ लो तो जिसे ऐसा लगता है ना कि उसे ही सब आता है और वो सामने वाले की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता वो होता है बहुत ही ज्यादा आरिगेंट समझ में आया गाइस चलो लेट्स मूव टू दैक्स्ट एम पेशेंट आज का हमारा दूसरा वर्ड है बेटा एम पेशेंट किसी ने ये वर्ड सुना है क्या पहले कभी फटाफट फ़ड़ से कॉमेंट्स में भी बता दो तो इम क्या होता है नॉट एबल टू स्टे काम एंड वेट फॉर समबडी और समथिंग यानी कि बिल्कुल भी जो शांत नहीं रहते हैं और इंतजार तो बिल्कुल ही नहीं होता उनसे ठीक है एक एग्जाम्पल देती हूँ अब मैं आपको आप गए जी किसी रेस्टोरेंट में ठीक है खाना नहीं आ रहा जनरली आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी सबको तो आ रही है एक बार दोबारा से आ जाओ क्लास में मैम आई हैव यूज्ड दिस वर्ड वेरी गुड कवीश यू शुड यूज दीज वर्ड्स ठीक है एक बार ये ऐसे बताना मेरे को कितने यूजफुल हुए नेक्स्ट क्लास में अपन जब लास्ट में ऐसे होमवर्क देंगे ठीक है ऑब्वियसली उतावला वेरी नाइस सो so, आप गए किसी रेस्टोरेंट में ठीक है आप देख रहे हो साइड वाली टेबल पे एक आंटी और एक बच्चा बैठा है अब वो बच्चा बार बार ही उछले जा रहे हैं ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं ना, जा रहा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ही उसमें पेशेंस नहीं नहीं हो रहा कि मैं मेरा बर्गर अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी देर हो गई दस मिनट हो गए ऑर्डर किए हुए आ ही नहीं रहा पता नहीं क्या हो गया गुस्से में आ जाते हैं लोग है ना उन्हें बोलते हैं इंपेशन्ट। इंपेशन्ट बेसिकली क्या होता है जिनमें लैक ऑफ पेशेंस लैक नोट्स बना लो गाइस प्लीज Lack of patience. Patience यानी सबर. सबर नहीं होता उन्हें अपन बोलते हैं है? चलो हिंदी में हो गया उतावला और बेचैन ओके समझ में आया समवन हु किस बात पे जी इंतजार करने पे ही गुस्से हो जाते हैं कि भाई बिल्कुल अब तो सबर नहीं हो रहा हमसे ये क्या चल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं okay? ओके okay, अब आप गए किसी डॉक्टर के पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी डॉक्टर के साथ है अपॉइंटमेंट ठीक है डॉक्टर ने आपको बुलाया दो बजे और आप एग्जैक्ट दो बजे पहुंच गए और दो से हो गए दो दस हो गए दो पंद्रह डॉक्टर नहीं रहा आपको चढ़ जाता है गुस्सा तो आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं प्लीज वाई आई यू बींग सो इम्पेश मतलब सबर नहीं है क्या इतना क्या इतना क्यों बेचैन हो रहे हो राइट right? तो यही है हमारा वर्ड एंड इसे हमें यूज करना चाहिए ट्राई टू यूज़ यू नो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इन इंग्लिश इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी ओके शी ग्रू इम पेशेंट वेटिंग फॉर द गाड मैन टू रिटर्न वेरी नाइस अंजलि वेरी नाइस बहुत ही अच्छा बेटा बहुत ही अच्छा बेटा प्लीज पैम नहीं करो आवाज़ नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही सबको आवाज आ रही है आई एम इम फॉर क्विज वेल यू डोंट नीड टू बी इम्पेश नहीं होते इट्स अ वेरी बैड थिंग ओके okay. क्विज कैसे करोगे अच्छा एक बात बताओ जब आप सीख ही नहीं पाओगे पांच वर्ड्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे दूसरे से ही क्विज कर लोगे हार जाओगे बाकी बच्चे जीत जाएंगे क्या फायदा लेट्स जस्ट वेट द लॉन्ग लाइन इन द शॉप इज मेकिंग मी इम ओके वेरी क्लोज नाइस यू डोंट हैव पेशेंस इज इट राइट येस बेटा दैट इज राइट वेरी गुड ओके सो आई कैन सी कि हमें समझ में आ गया impatient. इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं eager, restless, okay, अब आपने देखा होगा you know, अगर आप किसी भी बच्चे को कार में बिठा दोगे और उसको ले जाओगे चलो मनाली चल रहे वो एकदम से बेचैन हो जाएगा रेस्टलेस हो जाएगा कभी इधर कूदेगा फ्रंट सीट पे कभी बैक सीट पे कभी उसे बाहर जाना है कभी उसे कुछ खाना है ना तो बच्चे बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं बहुत ही इम हो जाते हैं चलो लेट सी देटा बेटा पेशेंट की स्पेलिंग सही लिखो ए एडी देखकर अफजल स्टॉप इट बेटा प्लीज ओके द पैसेंजर्स आर गेटिंग इम एट द डिले अब मान लो ट्रेन तो इतनी इतनी लेट हो जाती है अगर आप हाँ में से किसी ने भी ट्रेन में सफर किया तो आपको पता होगा कि ट्रेन क्या होती है लेट हो जाती है और वहां पे जो कुछ यात्री होते हैं ना कुछ पैसेंजर्स होते हैं वो इमपेश होना शुरू हो जाते हैं यार आ क्यों नहीं रही इतना टाइम हो गया दो घंटे डिले है ना देखा होगा ये तो आपने तो आई गेस अब अच्छे से अपन समझ पाएंगे कि इम क्या होता है बाय द टाइम दे आर सिक्सटीन मेनी यंग पीपल आर इम टू लीव स्कूल अब इस सेंटेंस को समझो जब बच्चे सोलह साल के आसपास आ जाते हैं ना तब उन्हें बहुत ही ज्यादा ऐसे उतावलापन बेचैनी होने लगती कि बस अब तो हम स्कूल से निकले और हम जाएं अब कॉलेज में ही वॉज सेपरेशन ऑफ दॉल अंजलि वेरी नाइस बेटा आई एम इम्पेशन टू द नहीं होगा बेटा फॉर द होगा यहाँ पर फॉर आएगा लंच के लिए फॉर सतेंद्र प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओके ठीक है तो इम्पेश समझ आया चले हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे वेरी नाइस वेन शी डेंट गेट हिज ऑर्डर ऑफ पिज्जा इन टाइम सेंटेंस ऑफ़ वेरी नाइस वेरी नाइस काफी अच्छा कर रहे चलो लेट्स मूव टू थर्ड वर्ड प्रिडेक्ट किसी ने सुना है क्या ये वर्ड हैज ऑफ दिस वर्ड इन द शॉप देर इज लॉन्ग लाइन हाँ अब इम्पेश समझ आ गया है वेरी गुड नैना अब हम थर्ड लाइन पे चलते हैं प्रिडिक्ट थर्ड वर्ड पे चलते हैं तो प्रिडिक्ट क्या होता है टू से दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर अच्छा सबकी मम्मी एक ना एक बार तो पंडित के पास जरूर गई होगी है ना आप लोगों ने देखा होगा इसे अपन हाथ दिखाते हैं. देखो भाई देखो क्या है राइट right? और वो क्या करते हैं कुछ ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होगा अच्छा होगा है ना उसको बोलते हैं प्रिडिक्ट यानि कि फ्यूचर के बारे में बताना फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताना प्रिडिक्ट करना भविष्यवाणी करना ठीक है जैसे कि अभी देख लो एग्जाम्स कैंसिल होंगे नहीं होंगे ये सब चल रहा था तो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई पक्का कैंसिल होंगे देख लियो तू शर्त लगा ले यार है ना तो हम लोग क्या कर रहे थे प्रिडिक्ट कर रहे थे इसका सिमिलर वर्ड है फोर टेल ओके द सिमिलर वर्ड इज फोटल जैसे कि अगर मैं बोलूँ कल बारिश होगी वेरी नाइस एग्जैक्टली ठीक है किसी भी चीज को पहले से बता देना वो होता है प्रिडिक्ट अगर मैं बोलूँ यार देख लियो कल तो बारिश होगी ठीक है ये मैंने क्या किया मैंने प्रिडिक्ट किया कि या हो सकती है राइट right? तो इसको बोलते हैं अपन प्रिडिक्ट करना कि वॉट वन बिलीव्स लिख लो गाइस वॉट One believes will happen. Okay. Four tell, kya hota hai? to tell beforehand. ओके okay. अगर मैं बोलूं ही कुल वट हिज रिएक्शन वुड बी अब मान लो दोस्त के साथ खेलने गए हो और आपको हो गई देर ठीक है आपको हो गई देर अब आपको पता है अब आप अपने दोस्त को बोल रहे हो यार आज तो मेरी मम्मी मेरे को कूट देगी बिल्कुल आज मेरी मम्मी मारेगी मेरे को है ना तो आप वट यू आर डूइंग यूर फोर टेलिंग द रिएक्शन ओके तो ही कुट फोर टेल वॉट हिज रिएक्शन वुड बी क्या रिएक्शन होगा ये वो पहले से ही बता सकता था तो कोई भी चीज जो अपन पहले से बता पाए उसको बोलते हैं प्रिडिक्ट करना कि कल तो शायद ऐसा होगा यार देख लियो कल तो ऐसा होगा समझ में आया या वेरी नाइस मैम आपने मेरे कम बेटा मैं देख रही हूं तर्पणा आई एम सींग इट दैट इंडियन टीम विन दईपीएल या आई मीन वेरी गुड चलो सो so, पल है आई नॉट प्रिडिक्ट वट विल हैपन नेक्स्ट ईयर यानी कि क्या अगले साल क्या होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये हम पता नहीं लगा सकते कैन नॉट यानी कि नहीं टॉम प्रिडिक्टेड मैरी वुड विन द रेस टॉम ने क्या प्रिडिक्ट किया टॉम ने बोला यार देख लियो मैरी जीतेगी रेस तो है ना तो ही प्रिडिक्टेड कि मैरी विल विन द रेस मैरी वुड विन द रेस वो रेस जीत जाएगी शी प्रिडिक्ट दैट टुमारो द टेम्परेचर विल गोज दिस इन मैम प्लीज चेक इट वेरी गुड श्रुति नाइस शी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स लग गया ना में में एक शायद आ जाता है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता ठीक है बट यहाँ पर तो हम प्रिडिक्ट लाइक हम बता ही रहे कि भाई देख लियो कल बारिश होगी है ना या देख लियो कल ऐसा होगा मजा आ गया ओके थैंक यू चलो लेट्स मूव टू नाउ आर फोर्थ वर्ड अबैंडन ये मुझे लग रहा है यार बहुत लोगों ने सुना होगा आई प्रिडिक्ट स्कूल ओपन सून वेरी नाइस या खुल जाए तो अच्छा है ओके सो द फोर्थ वर्ड इज अबैंडन चलो गाइज जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं आई हैव अ गेम फॉर यू तो फिर अपन सब मिलके खेलेंगे ठीक है सो अबैंडन इज टू लीव समबडी और समथिंग परमानेंटली पर्मांटली क्या होता है हमेशा के लिए तो अबैंडन का मतलब क्या होता है टू लीव सामबडी और समथिंग परमानेंटली यानी कि छोड़ देना ओके okay? किसी को भी या किसी चीज को हमेशा के लिए त्याग देना छोड़ देना दैट इज कॉल्ड अबैंडन टू गिव अप कंप्लीटली ऑन सम्बडी किसी को बिल्कुल ही छोड़ देना और अबैंडन बेटा एक और चीज के लिए यूज होता है किस चीज़ के लिए वो हम अभी यहाँ पर देखेंगे टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट फिनिशिंग इट और विदाउट अचीविंग वट यू वॉन्टेड टू डू यानी कि मान लो आप कोई चीज कर रहे हो और आपने बीच में ही वो चीज़ को छोड़ दिया मतलब आप अपने एम तक नहीं पहुंच पाए उसे बोलते हैं अबैंडन करना अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा या वेरी गुड यश आई अबेंड इन दी ओल्ड हाउस या श्रुती नाइस ये जो लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे है ना वो सब मैं देख रही हूँ वेरी नाइस अच्छा कर रहे हो आई डोंट गिव अप करना भी नहीं चाहिए यू शुड नेवर गिव अपीट ऑफ यूज नाइस ओके सुप्रिया अंजलि अफजल इसके होते हैं Dump, या फिर Give up. Let's move to the examples. अब हम example देखेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा द बैंक द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी बैंक रॉबर्स जो बैंक लूटने आए थे उन्होंने क्या किया अबैंडन द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी छोड़ दिया किसको? कार को क्यों? क्योंकि वो उनकी थी और वो पकड़े जाते इसलिए उन्होंने कार को सिटी के बाहर ही शहर के बाहर ही छोड़ दिया द सर्च फॉर द मिसिंग सेलर वॉज अबैंड आफ्टर टू डेज यानी कि जो सेलर्स थे वो मिसिंग थे ठीक है और उनके लिए जो खोज चल रही थी सर्च चल रही थी वो रोक दी गई वॉज अबैंड मैंने बताया था ना कि कोई काम आप कर रहे हो यहाँ पर ये लोग खोज कर रहे हैं और उसको बीच में ही रोक दिया मिले नहीं थे अभी कंप्लीट नहीं हुआ था वो काम बट उसको हमने बीच में ही छोड़ दिया इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है अबांडन्ड मैम यू आर ऑसम थैंक यू बेटा ओके वी फाउंड अ डॉग दैट हैड बीन अबांडन्ड बाय इट्स ओनर्स हाउ सैड डॉग्स आर वेरी क्यूट अरंडे दे आर ओके

समझ में आया वर्ड या ऑब्वियसली वी शुड ऑल अबैंडन आवर बैड हैबिट्स। वेरी नाइस ज्योति यू डू, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट रियली वेल ओके सो आर लास्ट वर्ड फॉर टूडे इज एम्बिशियन केडोस ओके ओके, रोहन हिज़ बैड हैबिट्स। वेरी नाइस खुशी कृतिका डियर थैंक थैंक यू यू बेटा सो मच ओके चलो सो आर लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज गाइस एम्बीशियन एम्बिशियन ओके एम्बिशियन क्या होता है किसी ने सुना है क्या ये वर्ड जल्दी से बता दो स्ट्रॉग डिज़ायर टू डू और अचीव समथिंग इन लाइफ जिंदगी में कुछ करने के सपने देखना ठीक है बोलते हैं ना तुम्हारा एम्बिशन क्या है तुम क्या बनना चाहते हो क्या चाहते हो लाइफ में कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई कुक बनना चाहता है कोई टीचर बनना चाहता है तो एक सपना होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है राइट right? एक एम्बिशन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है सिमिलर वर्ड्स हो गए गोल एंड एम कि तुम्हारा एम क्या है लक्ष्य क्या है ड्रीम टू डू समेरी गुड नीरज यार तुम लोग तो सारे बहुत ही स्मार्ट हो बहुत ही अच्छे हो आई वॉन्ट टू बिकम जज आई ए एस ऑफिसर वेरी नाइस अच्छे से पढ़ाई करो बन जाओगे बिल्कुल यू आर वेरी ग्रेट मैम थैंक यू वेरी नाइस माधुरी बहुत अच्छे हाँ तो ऐसे ही हमें अपने सपनों को सपनों पे क्या नहीं करना चाहिए कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और ऐसे ही हमें अपने एम को लक्ष्य को बिल्कुल ऐसे साफ रखना चाहिए ओके आई वांट टू बिकम अ टीचर नाइस अंजलि ठीक है सो चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं ही फाइनली अचीव्ड हिज एंबिशन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर अचीव्ड यानी कि मिल जाना हासिल कर लेना तो वो फाइनली जो उसका सपना था डॉक्टर बनने का जो उसका एंबिशन था वो क्या हो गया पूरा हो गया उसने वो चीज को हासिल कर लिया हर एम्बिशन इज टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस उसका क्या सपना है कि वो अपना खुद का कारोबार खुद का बिजनेस स्टार्ट करे करेबिशियन इज टू बी एस्ट्रोनॉट वेरी नाइस आर्मी ऑफिसर वाओ वेरी वेरीइस सत्येंद्र श्रुति खुशी वेरी नाइस वेरी नाइस चलो तो सबको ये फाइव वर्ड समझ में आए जल्दी से बताओ फिर तब अपन गेम्स uh, और क्विज पे चलेंगे ये पांच वर्ड्स में कोई डाउट है जल्दी जल्दी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की रोज समझ में आया यस ओके वेरी नाइस एडी डू वी हैव एनी डाउट्स से किड्स नो मैम ओके यस मैम आई अंडरस्टूड वेरी नाइस श्रुति ठीक है यस अंजलि बिल्कुल सही बेटा चलो ओके सो नाउ आई हैव अ गेम फॉर यू ऑल ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ फटाफट से तैयार हो जाओ ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे अब मुझे चेक करना है कि किसको कितना समझ में आया है थ फ्रेंड्स चलो लेट्स स्टार्ट आर गेम लेट्स गेस विथ फ्रेंड्स ठीक है तो यहाँ पर जो हमने आज पांच वर्ड्स पढ़े हैं वो लिखे हुए हैं अब हमें करना क्या है इस गेम में कि मैं आपके आगे एक एक करके सेंटेंस बोलूंगी ठीक है एंड आपको उस सेंटेंस से ये पता लगाना है कि ये सेंटेंस यहाँ कौन से वर्ड में फिट बैठ रहा है मतलब कौन सा क्लोजेस्ट है समझ में आया ओके, okay. so आपका पहला सेंटेंस है और मैं लिखूंगी नई सेंटेंस क्योंकि मुझे यही चेक करना है कि आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो तो आपका पहला सेंटेंस है इट्स गोइंग टू रेन टूमो इट्स गोइंग टू रेन टूमोरो अब आप बताओ कि ये पांचों में से ये जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ फिट बैठ रहा है इट्स गोइंग टू रेन टू कल बारिश होगी वेरी गुड कवीश दीपेश राइट आंसर बेटा गुरुनाच दिव्या नैना वेरी गुड वेरी गुड आई एम सो ग्लैड तुम सबने अटेम्प्ट किया तुम सबको अच्छे से समझ में आया चलो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट सेंटेंस वेरी गुड मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ बिल्कुल सही हैं बिल्कुल चलो योर इज़ आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर आई टू बी अ लॉयर मुझे क्या बनना है वकील बनना है जल्दी जल्दी चलो तो प्रिडिक्ट तो हमारा कट हो गया जी i want to be a lawyer very nice shruti khushi very nice very nice Bageshwari. Satendra. okay anjali anjali spelling theek beta supriya okay guys so right answer is ambition and you all are correct very nice चलो योर थर्ड सेंटेंस इज आई डोंट लाइक टू वेट आई डोंट लाइक टू वेट मुझे इंतजार करना बिल्कुल नहीं पसंद जल्दी जल्दी से बता दो गाइज जल्दी 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 कम ऑन पेचेन, वेरी गुड आयमान चाहत शिवांगी हम्म mm हम्म -hmm. श्रुति वेरी नाइस द करेक्ट आंसर इज इम सबके जवाब सही हैं चलो द फोर्थ सेंटेंस इज आई डोंट नीड एनी वन आई एम ग्रेट मुझे किसी की जरूरत नहीं है मैं यू महान बस मै यू जो हूं क्या होगा इसका आई डोंट नीड एनी वन आई एम ग्रेट दो ही वर्ड्स बचे हैं अबैंडन एंड एरोगेंट इन दोनों में से क्या है सही आंसर वेरी गुड नीरज आर्य आयमान वेरी नाइस कृतिका या सल्यूटली नो बेटा के सी सी नो योर रोंग माईडियर योर रोंग जाते सो so, जिन जिन बच्चों ने एरेगेंट किया है वो उनका आंसर बिल्कुल सही है एंड मोस्टली बच्चों ने एरेगेंट किया है मैं देख पा रही हूँ सो हेयर गोज योर लास्ट सेंटेंस बेटा शी लेफ्ट हर बेबी उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया शी लेफ्ट हर बेबी तो ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट जो बचा है अब वही आंसर है बैंड ओके okay, चलो फटाफट से पहन लो सीट बेल्ट क्योंकि ये है हमारा क्विस्ट टाइम जल्दी 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 क्विज टाइम थर्टी सेकेंड मिलेंगे हेयर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन चूज द सिनोनियम ऑफ एरेगेंट सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड मिलता जुलता वर्ड बताओ एरेगेंट का हम्बल नोबल इगोइस्टिक या नन ऑफ अबव हम्बल नोबल इगोइस्टिक या नन ऑफ दब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एबल टू स्टे काम एंड वेट फॉर समबी और समथिंग इज शांत ना रह पाना इंतजार ना कर पाना किसी का गुस्सा हो जाना यह सब क्या है एमपेश है ऑनेस्ट है ब्रेव है या ऑल ऑफ द अबव ए बी सी और डी गाइस वॉट्स द आंसर ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट व्हाट इज दिनोनियम ऑफ प्रोडेक्ट सिमिलर वर्ड मिलता जुलता शब्द प्रोडेक्ट का कौन सा है डिटरमाइन एनालाइज फोर टेल या डिस्क्राइब डिटरमाइन एनालाइज फोर टेल या फिर डिस्क्राइब एंड आर लास्ट क्वेश्चन इज चूज द क्लोजेस्ट वर्ड ऑफ डम्प डम्प का जो इन चारों ऑप्शन में से सबसे क्लोज वर्ड है उनको चूज करो पोलाइट अ बैंड इन बैड या नन ऑफ दी अबव ओके लेट्स क्विकली डिस्कस दी आंसर्स एंड फिर आप लोग मुझे बताओगे कि किसके कितने आंसर्स सही हैं फोर में से किसको कितने मार्क्स मिले सो आर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज चूज द सिनोनिम ऑफ एरीगेंट एंड ये हमने पहले ही पढ़ा था कि एरेगेंट का सिनोनियम क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑप्शन नंबर सी दैट इज ईगोइेक बहुत ही ज्यादा घमंडी रेस्ट ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर चलो नॉट एबल टू स्टे काम एंड वेट फॉर सम्बडी सम इज वेरी नाइस वेरी नाइस इम पेशेंट ऑप्शन नंबर ए इज योअर करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज दिनोनियम ऑफ प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट मैंने क्या बताया था भविष्यवाणी करना फ्यूचर देखना तो यहाँ पर सिनोनियम क्या होगा प्रोडेक्ट का फोर टेल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर डू ओके चूज द क्लोजेस्ट वर्ड ऑफ डी अब तो क्या था हमारे डॉप का क्लोजेस्ट वर्डन छोड़ देना ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर चलो फटाफट से मेरे को बता दो टेन सेकेंड्स के अंदर की किसके कितने कितने सही है फोर आउट ऑफ फोर देश वेरी गुड भाव्या वेरी नाइस चलो गाइस तो आई होप आज का सेशन सभी को बहुत अच्छा लगा होगा सारे पांचों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे एंड आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इन पांच वर्ड्स से पांच पांच सेंटेंसेस बनाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास में मैं खुद आपका होमवर्क देख के आपको बताऊंगी कि किसका सही है टिल देन बाय टेक केयर